हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में अपने 12.1 चैप्टर का बेसिक कर लिया था और इसका फर्स्ट क्वेश्चन भी कर लिया। आज इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार की विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। कोई त्रिभुजाकार दीवार है, उसको विज्ञापनों के लिए प्रयोग में लिया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयां देखिए 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर। इस दीवार की ये लंबाइयां देखिए। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर, 5,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की प्राप्ति होती है। यानी एक वर्ग मीटर का एक वर्ष का किराया इसमें 5,000 रुपये। यदि दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीनों के लिए किराए पर लिया तो उसने कुल कितना किराया लिया? सबसे पहले इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक भुजा देख के इस्तेमाल में स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। तो अर्ध परिमाप एक्स इक्वल ए प्लस बी प्लस सी अपॉन बी टू। तो 122 प्लस 22 प्लस 120 अपॉन में 2। तो यहां से ये हमारे पास इसमें आ जाएगा 2, तो ये 4 हो गए, फिर 2 4 6, फिर 1 और 1 2, 264 बटे 2। तो ये कितना आ गया? 132 मीटर। इस दीवार का अर्ध परिमाप आ गया, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। किरण के सूत्र से क्षेत्रफल रूट एस S माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो रूट S की वैल्यू यहां पर 132 इंटू 132 माइनस 122, 132 माइनस 22, 132 माइनस 120। तो 132 इंटू 132 माइनस 122 कितने हो गए यहाँ से? 10 इंटू 132 माइनस 22, तो ये कितने आ गए? 110 इंटू 132 माइनस 120, तो ये कितने हो गए यहाँ से हमारे पास? 12। अब इसके अवाद्य गुणनखंड करेंगे, तो 132 के अवाद्य गुणनखंड करोगे कितने आएंगे? 2 इंटू 6 12, फिर ये यहाँ पर 33, 3 11 एकम 11। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। अब यहां से 10 के करेंगे तो कितना आएगा? 2 इंटू 5 110 के करेंगे, 2 का भाग देंगे पहले 55 बार, फिर उसके बाद 55 में 5 का भाग देंगे 11 बार, 11। 12 के करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3। अब यहां पर रूट में से संख्याएं बाहर निकालते हैं, क्षेत्रफल क्या करने पहले इसका 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 आया रूट में, तो रूट से बाहर कितनी बार आएगा? 3 बार। फिर 3 कितनी बार आया रूट में? 2 बार, तो एक बार इसको रूट में से बाहर निकालेंगे। फिर इनटू 11 यहां पर 2 बार है रूट में, तो एक बार रूट से बाहर। फिर इनटू 5 भी 2 बार है तो रूट से बाहर। 2 इनटू 2 4 इनटू 2 8, 8 इंटू 3 24, 24 माने 120, 120 इंटू 11। तो यहां से ये आ जाएगा इसमें 11 में 22, फिर 11 और 2 13, 1320 वर्ग मीटर। कुल उसके पास क्षेत्रफल कितना है? 1320 वर्ग मीटर। अब आगे इसमें क्या किया है? एक वर्ष में एक वर्ग मीटर विज्ञापन लगाने के कितना किराया मिलता है? 5,000। इसका अर्थ 12 महीनों में भी कितना किराया मिलता है एक वर्ग मीटर का? 5,000 रुपये, क्योंकि एक वर्ष क्या है? 12 महीने अपने, तो एक महीने का किराया कितना मिलेगा एक वर्ग मीटर का? 5,000 बटा में 12 रुपये एक महीने का आ गया। उसने कितने महीनों के लिए किराए कर दिया? 3 महीनों के लिए। तो 3 महीनों के लिए एक वर्ग मीटर का किराया कितना देना होगा? 5,000 बटे 12 इंटू 3 रुपए।
अब कुल कितने वर्ग मीटर लिए हमने, 1320। तो 3 महीनों के लिए 1320 वर्ग मीटर का किराया दिया, 1301 वर्ग मीटर का किराया था, 5000 × 12 × 3, तो उसके बाद 1320 वर्ग मीटर है, तो 1320 से मल्टीप्लाई करेंगे 5000 × 12 × 3 × 1320, 3 × 4 = 12, यहां से ये कर देंगे 4 × 3 = 12 = 330, 33 × 165 और 4 0 है तो कितना आ गया 16,50,000 रुपए। तो कितना किराया दिया उसने 3 महीनों का, 16,50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है, कोई एक पार्क था और उसमें एक फिसल पट्टी बनी हुई, उसकी विमाएं देख के उसमें दीवारों की, एक पर पेंट किया हुआ है, उस पर लिखा हुआ है पार्क को हरा भरा और स्वाद रखी है, ऐसा लिखा हुआ है। देखो इस प्रकार से दीवारें हैं, और यहां पर इस पर लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। अब इसकी विमाई दे रखी है उसने, ये 15 मीटर है, 11 मीटर है और 6 ये दियो। तो इसमें कुछ है ढंग से पेंट किए हुए बाग का सिर्फ हमें क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले s इक्वल अपरिमा a प्लस b प्लस c अपॉन 2, इसको मानते हैं स्मॉल a स्मॉल b, तीसरी बजाय इस्तेमाल करते हैं स्मॉल c। तो s इक्वल 15 प्लस 11 प्लस 6/2, तो ये कितने हो गए 15 और 11, 26 प्लस 6 32/2, तो ये कितना आ गया अपरिमा s इक्वल 16 मीटर। तो यहां से रंग से पेंट किए हुए बाग का क्षेत्रफल इक्वल में रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो 16 × 16 − 1 = 15, फिर 16 − 11 × 16 − 6, तीनों की जगह ये माइनस कर दी, इसको सोल्व करेंगे तो 16 × 1 × 5 × 10, 16 के एवज गुणनफल करेंगे 2 × 2 × 2 × 2, 5 × 2 × 5, इसमें 2 5 बार आया है तो 2 बार तो रूट से बाहर निकाल लेते हैं, 2 × 2 5 2 बार, 1 बार रूट से बाहर, और ये 2 कहां पर रहेगा रूट में, 5 × 2 = 10, 10 × 2 = 20 √2 वर्ग मीटर। तो इस यहां पर रंग से पेंट किए हुए बाग का हमारा क्षेत्रफल कितना है 20 √2 वर्ग मीटर। इसके बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।